दुख में है, पूरे बलूचिस्तान के लोग दुखी हैं कि जिस तरीके से, जिस बर्बरियत के साथ मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। तो आज मोहसिन साहब आए, हमने यहाँ पर एक मीटिंग की है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब जब बलूचिस्तान को ज़रूरत महसूस हुई है, जब जब मुझे कोई इशू हुआ है फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड, वन फोन कॉल अवे, आई मस्ट गिव हिम दिस क्रेडिट कि एक फोन कॉल पे तशरीफ भी ले आते हैं। जैसे सेकेंड टाइम तुर्बत में जब हमारे DC का वाकया हुआ तो वहाँ तुर्बत भी तशरीफ ले गए और आज क्वेटा भी आए हैं। बड़ी डिटेल लेंथ में डिस्कशन हुई है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, फ्यूचर प्लान्स के हवाले से। जाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया में शेयर नहीं की जा सकती हैं, तो मैं एक बार फिर मोहसिन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ तशरीफ लाए। एंड इट्स अप टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आने का मकसद यहाँ पे ये था, ऐसे वाकयात जो हैं वो काबिले बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हैं और हम लोग मिलकर इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाकयात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा इंशाल्लाह। वाकयात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। सर, आपने अभी बात की है कि तमाम तर सूरत हाल सूबाई गवर्नमेंट के हवाले जो भी डिसीजन लेंगे, मैं तो वेरी सॉरी टू से 25 की रात को ऐसे लगा कि सूबाई हुकूमत इंतजामिया कहीं पर नहीं थी। वो 53 खानदान जिनके लोग गए हैं और जो हुकूमत की रिट को चैलेंज किया है, उस हवाले से आपका क्या स्टांस है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट? देखिए, मेरा ख्याल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल जागी हुई है और जो इस टाइम अप्रोच है, आपका जितना मर्जी बड़ा दुश्मन भी हो वो भी कह रहा है कि ये अप्रोच पहले कभी नहीं आई बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीक करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। मैं एक मिनट प्लीज़ मैं ज़रा इस सवाल का जवाब दे दूं, क्या हमारी फोर्सेस ने जब वो रेटिलिएट कर रहे थे, जब सड़क पे आए, ये जो कैप्टन साहब शहीद हुए हैं ये तो रिस्पॉन्स में शहीद हुए हैं, तो जब सुना कि वहाँ पर आके रोड पर ये दहशतगर्द आए तो ये रिस्पॉन्स के लिए जा रहे थे तो अपनी जान गंवा दी ना? जो अकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, 10 महीने की उसकी एक छोटी सी बेटी है, वालिद उसका कैंसर का पेशेंट है लास्ट स्टेज का, उसने अपनी जान कुर्बान की है बलूचिस्तान के लोगों के लिए, कैसे आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं था? वो 53 फैमिलियाँ हमारी फैमिलीज हैं, हम उनके साथ हैं। मैंने आपसे कहा कि जैसे कल भी 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उसमें से वो किसी एक इंच को ढूंढते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर आके सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रैकी करने आ रहा है या ट्रेवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इश्यूज शुरू हो जाते हैं, तो वो रैकी करते हैं, हमारी सबसे वीक जगह देखते हैं, वहाँ आकर आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पर मार के भाग जाते हैं। तो उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, आज जिस वक्त मैं और आप बात करें इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है, तो रिस्पॉन्स इज देयर। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। अच्छा, मुझे सब ये बताएं, जो आप बातें कर रहे हैं हम पहले सुन चुके हैं, जबकि दहशतगर्द है या जो भी है वो नए तरीकों से सामने आ रहे हैं, इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं और अगस्त के महीने में सबको पता है कि बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात हो चुके हैं पहले भी और होने के चांसेस भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो है इनके लिए कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाया गया और वो आके पूरे बलूचिस्तान को उन्होंने यरगमाल बनाया। और आप कह रहे हैं सिर्फ एक SHO की मार है, ये तो ऐसा लग रहा है कि रेड सीरीज बयान है, फैसले क्या हुए बलूचिस्तान में? अभी आप मीटिंग के क्या फैसले कर रहे हैं? ऑपरेशन तो पहले से भी जारी है, मजीद कैसे क्या नए तरीके से? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं जो SHO वाली बात भी मैं करूँ वो भी क्लेरिफाई कर दूँ, ये मैं आपको एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई वो नहीं कि SHO खाली ऑपरेशन करेगा, महावरतन मैंने आपको ये बात की है। दूसरी बात ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो क्या करते हैं, जो CM साहब ने अभी बोला, वो एक आधा किलोमीटर पिक कर लेंगे, आएंगे चुप करके, हमला करेंगे और भाग जाएंगे। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, आप जो मर्जी कह लें, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, आप चप्पे चप्पे पे नहीं कर सकते। हम अपनी चेक पोस्ट पे होंगे, अपने थाने में होंगे, अपने हेडक्वार्टर पे होंगे, बट हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं,
और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे, आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला उन सब का बंदोबस्त होगा। थैंक यू ताला, थैंक यू। क्वेटा में विफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान नीलफ़िसर फराज़ बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान में होने वाले वाक़यात काबिल मज़म्मत है और ये तमाम तर वाक़यात जो हैं ये जल्द अज़ जल्द ख़त्म होने चाहिए। वज़ीर दाखिला के साथ अमन अमान के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी हुई है। टीम, मेरा आने का मकसद यहाँ पे ये था, ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिलकर इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा इंशाल्लाह। वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। सर, आपने अभी बात की कि तमाम तर सूरतेहाल सूबाई गवर्नमेंट के हवाले जो भी उनसे लेंगे, मैं तो वेरी सॉरी टू से 25 की रात को ऐसे लगा कि सूबाई हुकूमत इंतजामिया कहीं पर नहीं थी। वो 53 खानदान जिनके लोग गए हैं और जो हुकूमत की रिट को चैलेंज किया है, उस हवाले से आपका क्या स्टांस है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट? देखिए, मेरा ख्याल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल जागी हुई है और जो इस टाइम अप्रोच है, आपका जितना मर्जी बड़ा दुश्मन भी हो वो भी कह रहा है कि ये अप्रोच पहले कभी नहीं आई बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीक करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। मैं एक मिनट प्लीज़ मैं ज़रा इस सवाल का जवाब दे दूं। क्या हमारी फोर्सेस ने जब वो रेटिलिएट कर रहे थे, जब सड़क पे आए, ये जो कैप्टन साहब शहीद हुए हैं ये तो रिस्पॉन्स में शहीद हुए हैं, तो जब सुना कि वहाँ पर आके रोड पर ये दहशतगर्द आए तो ये रिस्पॉन्स के लिए जा रहे थे तो अपनी जान गंवा दी ना? जो अकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, 10 महीने की उसकी एक छोटी सी बेटी है, वालिद उसका कैंसर का पेशेंट है लास्ट स्टेज का, उसने अपनी जान कुर्बान की है बलूचिस्तान के लोगों के लिए, कैसे आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं था? वो 53 फैमिलियाँ हमारी फैमिलीज हैं, हम उनके साथ हैं। मैंने आपसे कहा कि जैसे कल भी 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उसमें से वो किसी 1 इंच को ढूंढते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर आके सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रैकी करने आ रहा है या ट्रेवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इश्यूज शुरू हो जाते हैं, तो वो रैकी करते हैं, हमारी सबसे वीक जगह देखते हैं, वहाँ आकर आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पर मार के भाग जाते हैं। तो उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, आज जिस वक्त मैं और आप बात करें इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है, तो रिस्पॉन्स इज देयर। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। अच्छा, मुझे सब ये बताएं, जो आप बातें कर रहे हैं हम पहले सुन चुके हैं, जब के दहशतगर्द है या जो भी है वो नए तरीकों से सामने आ रहे हैं, इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं और अगस्त के महीने में सबको पता है कि बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात हो चुके हैं पहले भी और होने के चांसेस भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो है इनके लिए कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाया गया और वहाँ के पूरे बलूचिस्तान को उन्होंने यरगमाल बनाया। और आप कह रहे हैं सिर्फ एक SHO की मार है, ये तो ऐसा लग रहा है कि डेथ सीरीज बयान है, फैसले क्या हुए बलूचिस्तान में? अभी आप मीटिंग के क्या फैसले कर रहे हैं? ऑपरेशन तो पहले से भी जारी है, मजीद कैसे क्या नए तरीके से? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं जो SHO वाली बात भी मैं करूँ वो भी क्लेरिफाई कर दूँ, ये मैं आपको एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई वो नहीं कि SHO खाली ऑपरेशन करेगा, महावरतन मैंने आपको ये बात की है। दूसरी बात ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो क्या करते हैं, जो CM साहब ने अभी बोला, वो एक आधा किलोमीटर पिक कर लेंगे, आएंगे चुप करके, हमला करेंगे और भाग जाएंगे। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, आप जो मर्जी कह लें, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, आप चप्पे चप्पे पे नहीं कर सकते। हम अपनी चेक पोस्ट पे होंगे, अपने थाने में होंगे, अपने हेडक्वार्टर पे होंगे, बट हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला उन सब का बंदोबस्त होगा। थैंक यू। मेरा एक सवाल है आपसे।
کوئٹہ میں وفاق وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نیل فخر فراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. محسن نقوی نے کہا کہ بلوچستان میں ہونے والے واقعات قابل مذمت ہیں اور یہ تمام تر واقعات جو ہیں یہ جلد از جلد ختم ہونے چاہئیں. وزیر داخلہ کے ساتھ امن و امان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے.